चेंबूर रेलवे स्टेशन के पास सभी नागरिकों को कपड़े का बैग वितरण किया गया, जिसमें काफी संख्या में नागरिक शामिल हुए। बैग वितरण लायंस क्लब के माध्यम से सरोज शर्मा ने ऑर्गेनाइज। इस वितरण में लायंस क्लब के भी सभी अधिकारी मौजूद रहे। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है लायंस की तरफ से। नागरिकों ने ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक का पर्यावरण पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, इसीलिए कपड़े का बैग का ज़्यादा से ज़्यादा वापर होना चाहिए। और इसका दूसरा फायदा है कि आप एक बार दो बार इसे 10 बार भी वापस इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और पर्यावरण के लिए तरफ हर नागरिक का जो कर्तव्य है, वो जो लायंस क्लब ने आज ये प्रोग्राम किया है, उससे नागरिकों का बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और इन टर्न महानगर पालिका, जिसको प्लास्टिक से ज़्यादा गटर वगैरह का ड्रेनेज वगैरह ब्लॉक होता है, ये सब समस्या से हमको हल मिलेगा। ये हमारा लायंस का सर्विस वीक रहता है, 2 अक्टूबर से 7-8 अक्टूबर तक रहता है। तो हम लोग ये हमारा 11th ईयर है जो लायंस हमें मोटिवेट करते हैं। हम एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हम लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ये मेरा 11th ईयर है मेरा, ये मैं बैग्स मैं एज ए कमेटी चेयरमैन स्पॉन्सर करती हूँ हर साल। तो ये लायंस का लोगो रहता है और हमारा सब डिस्ट्रिक्ट का रहता है। तो ये हमारे को अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि प्लास्टिक को आप ना यूज़ करिए, क्योंकि प्लास्टिक हार्मफुल है आपके लिए। आपके गटर्स कर ब्लॉक कर देता है, रोड के गटर्स ब्लॉक कर देता है, हमारे सी वर्ल्ड के लिए फिशेस उसको जानवर जो सी में है वो उसको जेली फिश समय के खा लेते हैं जब उसमें पानी भर जाता है, या हमारे यहाँ पशु पक्षी उसे एज इट इज़ खा लेते हैं क्योंकि उनको स्मेल आती है, स्मेल से ही थैली को उठा के ले जाते हैं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खोले, या इतना ब्रेन नहीं होता, तो उसके प्लास्टिक के साथ खा लेते हैं जो कि बहुत हार्मफुल है। वो धीरे धीरे सफोकेटेड होकर उनकी डेथ हो जाती है। हमारे बच्चों के लिए भी प्लास्टिक के टॉयज, खिलौने और टिफ़िन वगैरह भी हार्मफुल है, और किचन में भी आजकल प्लास्टिक बहुत घुस चुका है। ये एक बीमारी का कारण है, इसलिए हम यही मैसेज देते हैं कम से कम प्लास्टिक को कम से कम क्या बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके कपड़े के बैग यूज़ करिए, स्टील के टिफ़िन यूज़ करिए, ताकि हमें प्लास्टिक को से छुटकारा मिल सके, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हार्मफुल है, हेल्थ के लिए हार्मफुल है। हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लाइन सरोज शर्मा जी ने से नो प्लास्टिक का जो आयोजन किया है, बेसिकली जो प्रॉब्लम जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है हमारी प्लास्टिक थैलियाँ, ये नाले में जाके फंस जाती है, गाय बैल ये जो जानवर है वो भी कभी खा लेते हैं, उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि लोग कचरा है ना, प्लास्टिक के बैग ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे कि जिधर उधर जो हमने स्वच्छता अभियान जो चला रखा उसमें भी बहुत दुविधा होती है, हर जगह प्लास्टिक की बैग ही दिखाई देती है। इसलिए ज़रूरी है कि सभी नागरिक अपने प्लास्टिक बैग का यूज़ करना बंद कर दें, और अभी से जो अपनी नॉर्मल क्लॉथ है, क्लॉथ की थैलियाँ हैं, उनका ही उपयोग करें। तो इससे क्या होगा कि जो पर्यावरण भी ठीक रहेगा, साथ में जो स्वच्छता अभियान हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने रखा है, उसमें भी बहुत सहयोग मिलेगा। तो मेरी सबसे नम्र निवेदन है कि आप अवश्य ही प्लास्टिक का त्याग करें, और जो कपड़े की बनी हुई थैलियाँ उनका ही उपयोग करें। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लाइन सरोज जी शर्मा जी हैं, इन्होंने जो इस प्रोग्राम का आयोजन किया, ये समाज में एक नया संदेश दे रहा है, और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हर वर्ष ये इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजन करते हैं, उससे लोगों में एक संदेश जाता है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में अगर हम रिपीटेडली वही चीज़ बार बार कहेंगे तो लोगों में वो संदेश ज़रूर उनमें मन में बैठ जाएगा, और एक दिन प्लास्टिक बैग्स का कम्प्लीटली यूज़ होना बंद हो जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बयान करूँगा। ओम प्रकाश अरोरा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 32382 का हूँ, और जैसा कि तावरी साहब ने इतना अच्छे शब्दों में सबको बयान किया है, और सरोज जो कि 8 साल से ये प्रोजेक्ट कर रही है, ये जो अवेयरनेस है इसमें बहुत टाइम लग रहा है, और नरेंद्र मोदी ने 3 साल में ये जो बीड़ा अपने सर पर उठाया है, अस्वच्छता ही सेवा है, ये बहुत बड़ा उनका स्लोगन रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब लायंस जो इस काम में पूरा काम नॉट ओनली बॉम्बे चेंबूर में कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में पूरा इसका अभियान चल रहा है। और मैं सबसे एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ
प्लास्टिक से दूर रहिए और कपड़े के बैग उठाने की कोशिश करिए, इसमें देश की भलाई होगी हर तरह से। बॉम्बे साइंस सिटी की तरफ से आ रहा हूँ और ये प्रोग्राम में हमारा भी पार्टिसिपेशन हो गया अभी। सो वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू यूज़ ओनली क्लॉथ बैग्स और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, टोटली अवॉइड ऑल प्लास्टिक आइटम्स। थैंक यू। मैं मृदुला चड्डा, डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 3231 की, मैं प्रेसिडेंट हूँ, चार्टर प्रेसिडेंट, और मैं यही कहूँगी कि नो टू प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि ये हमारा जो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बीड़ा उठाया स्वच्छता अभियान का, तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारी जनता है उनमें ये अवेयरनेस आए कि हम लोग ये प्लास्टिक्स को नहीं यूज़ करें, और इसमें करने से क्या है कि हमारा वातावरण दूषित होता है और जंतु जानवर जो भी हैं, जो हमारे पशु पक्षी खाते हैं उनसे हम लोग, वो लोग भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारी सब्जियां भाजियां सब जो उगती हैं वो भी सब ख़राब हो जाती हैं। इसके लिए हमारी यही सबसे निवेदन है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और कपड़े की थैलियाँ यूज़ करें जिनको हम धो के यूज़ कर सकते हैं और अपना एनवायरनमेंट है वो हम साफ रख सकते हैं। इसके लिए सरोज शर्मा जी ने जो बयान उठाया हम उनके साथ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस हम ये क्रिएट कर रहे हैं। धन्यवाद।